मोदी सरकार ओछे हथकंडे अपनाने से बाज ना आई। मकबूजा कश्मीर पर काबिज भारत बौखलाहट का शिकार हो गया है। कश्मीर में नई दिल्ली ने पाकिस्तानी, तुर्क, मलेशियन और ईरानी चैनल्स पर ही पाबंदी लगा दी। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा वादी में पाकिस्तान समेत तुर्क, मलेशियन और ईरानी चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। अहकामात के खिलाफ वर्जी करने पर केबल ऑपरेटर्स को संगीन नतायज की धमकियां दी गई। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्कूरा चैनल्स न दिखाने के लिए भारतीय केबल ऑपरेटर्स को हुक्म जारी कर दिया गया, जबकि मकबूजा वादी में भारतीय चैनल्स दिखाए जा रहे हैं। BBC के मुताबिक तुर्की और मलेशिया ने अक्वामी मुत्तहिदा में कश्मीर की सूरतेहाल पर आवाज उठाई थी। इंटरनेट की बंदिश से कश्मीरी खबरों से भी महरूम है। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक खुसूसी आर्टिकल की मनसूखी से कबल ही भारत ने वादी में पाकिस्तानी चैनल्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए थे। तुर्की और मलेशिया कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौकफ की हिमायत करता है। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने अक्वामे मुत्तहिदा में तकरीर में कहा था कि भारत ने कश्मीर पर हमला करके कब्जा किया हुआ है। अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद भारत ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है। नाउ डिस्पाइट UN रेजोल्यूशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर, द कंट्री हैज बीन इन्वेडेड एंड ऑक्युपाइड। There may be reasons for this action, but it is still wrong. The problem must be solved by peaceful means. India should work with Pakistan to resolve this problem. Ignoring the UN would lead to other forms of disregard for the United Nations and the rule of law.